आज बिरालम मंडी में नेशनल प्लास्टिक की गली में एक दुकान है, राखी किराना स्टोर है, जो होलसेलर भी है रिटेलर भी है। उसका जो ओनर है सुजीत नाम है उसका। उस शख्स को पिछले दो दिन से उसको हमारे मुकामी लोग उसको वार्न कर रहे हैं कि एक चावल जो है सरवानी एक जो एक कंपनी है फूड कंपनी है जो अमृतसर की है वो बेगम बाजार में जगदम्बा या कुछ नाम है जो होलसेलर है वो यहां से राखी वाला जो सुरजीत बेगम बाजार से राइस के जो थैले है लेकर आके यहां सेल करता है उस पैकिंग में चार तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और दो साइड पे गुमत खिजरा की तस्वीर है। तो यहां पर हमको इत्तला मिली। मैंने यहां बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मैं यहां पर्सनल यहां पर आया हूं। मैं यहां पर आके हम पुलिस स्टेशन आया अप्पल नायडू साहब से मुलाकात किया और हम सब बरहमी का इजहार करे और साथ में हम पुलिस के साथ हम उस दुकान पर गए जिस दुकान पे वो दुकानदार ने थैले खाली कर रहा था। हमने वहां से थैलों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरे थैले जितने जो थैले थे बचे हुए वो थैलों को जब्त किया गया है और जो खाली थैले थे वो खाली थैलों को भी जब्त किया गया है। यहां पर पुलिस ने बरवक्त मुजाहरा करते हुए जो लोग बरहम थे यहां पर मीडिया के तमाम लोग यहां मौजूद है इनकी मौजूदगी में पुलिस ने हरकत में आते हुए हमने यहां पर आके जो कहा है कि भाई आप पहले जो दुकानदार है उसके दुकान के जितने थैले है राइस के जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है और जिस पे दो साइड पे गुमत खिजरा की तस्वीर है तो हम उनसे सख्त अल्फाज में हम बोले हैं तो हम पुलिस के साथ आए यहां पर सामान पूरा जब्त किया गया है यहां पर आए और हम कंप्लेन दिए हैं। मंजे इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करती और मैं आपके चैनल के जरिए मैं तमाम दुकानदारों से गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आप चावल किस मुकाम पे बेच रहे हैं और क्या है उस फोटो पे आप किसकी दिल आजारी करके अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं पुलिस से मैं मुतालबा कर रहा हूं खासतौर से SHO मीर चौक से कि भाई इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग बरहम हैं जब तक ये लोग जो बरहम हैं बस इसका एक ही हल है कि आप उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं आपके चैनल से मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि भाई इंशाल्लाह अज़ीम और ऐसे हरकत ना होने पाए। तमाम पुलिस वालों से मेरी गुजारिश है कि भाई ऐसे है ऐसे जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो माहौल पुरअमन है शहर का अमन और अमान को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है यहां पर मैं फिर एक मरतबा मैं पुलिस से पुरजोर मुतालबा करता हूं कि भाई आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हैदराबाद के कई दुकानों के ऊपर अभी चावल के हमने पुलिस को इत्तला दे दी है दीगर पुलिस से बात कर रही है उनके साथ दौरा करके उस दुकान का जो माल था हम सब करें और इंशाल्लाह ये जो सरबानी जो ब्रांड का नाम है अमृतसर से और इंशाल्लाह अजीम कोई भी दुकान पर रहेगा पुलिस सख्त कार्रवाई करेंगे और तमाम चावल के जितने बैग है उसको जब्त किया जाएगा। दुकान का नाम बोले जो यहाँ पर बेगम बाजार में मौजूद है जगदम्बा ट्रेडर्स पुलिस की जिम्मेदारी है इंशाल्लाह पुलिस की जिम्मेदारी है पुलिस कार्रवाई करेगी इंशाल्लाह अजीम। जज़ाकअल्लाह खैर सलाम अलैकुम। मिर्जा पीएस के पास अभी मीडिया की जानिब से पूरे आए हैं यहाँ पे इस्लाह माशा तंजीम के सदर जनाब हमीद रहमानी साहब आए हैं। यहाँ हैदराबाद में एक वाकया भी हुआ है जो राइस चावल के जो बैग्स होते हैं उसके ऊपर अल्लाह नाम लिखाकर मदीने मुनव्वरा की तस्वीर लिखी गई है और ये मेला मंडी की मार्केट पर सेल हो रहे हैं जिसको पहचानते हुए अभी अब्दुलरहमानी साहब की तंजीम है जो है मिस्टर पीएस में आके कंप्लेन दिए। आइए बात करते हैं रहमानी साहब आप किसके मिस्टर पीएस में आए क्या वाकया हुआ है अभी यहाँ पर मंडी मिरालम के अंदर एक राखी किराना स्टोर बोल के हैं जो राइस शॉप है जिसके अंदर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है गुम्बद खिजरा की जिसपे तस्वीर है और मीनार है और जिस थैले पर जो है प्रिंट लिखा हुआ है अल्लाह कहकर और अरबी में अल्लाह है और उसको जो है वो जो दुकानदार है मारवाड़ी दुकान मारवाड़ी शॉप है और वो मैन्युफैक्चरिंग पंजाब की है और वो थैला जो है मारवाड़ी की दुकान के काउंटर के नीचे है पैरों के पास है जिसे देखकर बड़ी हमें तकलीफ हुई और उस थैले को जो है ना मैंने परचेस किया 2400 रुपये में उसने थैले को दिया। हमने लाकर यहाँ पर मीर चौक पीएस के जो है ना हमारे सर्कल इंस्पेक्टर नायडू साहब को जो है ना हमने राइटिंग में कम्प्लेंट दिए और मैं तमाम अवाम से ख्वाहिश करता हूँ और अरबाब मजा से ख्वाहिश करता हूँ हुकूमत से वक्त की हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि रोज़ बरोज़ हर रोज़ एक नए तरीके से मुसलमानों को जो है दिल शिकनी की जा रही है उनमें ठेस पहुंचाई जा रही है और उनके जो है जज्बात से खेला जा रहा है। मैं तमाम दुकानदारों से तमाम डीलर से ख्वाहिश करता हूं कि जल्द से जल्द जिसके पास भी वो थैले हैं जिसपे गुम्बद खजरा का निशान है उसको जो है फ़ौरन हटा दिया जाए। हमारी ख्वाहिश ये है कि जो थैला जिस थैले में
रसूलुल्लाह की जो है गुंबद की फोटो है उसको फौरन निकाल कर सादा थैले के अंदर चावल को जो है बेचा जाए। हमें उससे कोई जो है हिंदू मुस्लिम करना नहीं है। हमारे रसूलुल्लाह की गुंबद की तस्वीर उस थैले पर है और थैले पर आप समझ सकते हैं कि हम्माल हजरात उस पर पैर रख के चढ़ते हैं। जब लोडिंग होती है और बेचते हैं दुकानदार तो जो है उस खदमों के पास होती है। बताइए इससे बढ़कर और क्या शर्मनाक वाकया होगा कि हमारे शहर हैदराबाद जो हैदर का शहर है, तहजीब का शहर है, जहाँ पर अदब का शहर है, और हमारे शहर मीरचौक पीएस की लिमिट में ये हो रहा है। हम पुलिस से ये डिमांड किए हैं, पुलिस से ये मुतालबा किए हैं कि उस दुकानदार को बुलाया जाए और इस तरह के और कितने जो है जहाँ पर अरबी में लिखा गया है वो बासमती चावल का थैला है जिस पर जो रसूलुल्लाह की गुम्बद की फ़ोटो है, हमने अभी उसको जो है मीरचौक पीएस के हवाले किया है। हम उम्मीद करते हैं कि महकमे पुलिस से जल्द कार्रवाई की जाएगी और हम फूड इंस्पेक्टर से भी ख्वाहिश करते हैं, फूड डिपार्टमेंट से भी ख्वाहिश करते हैं कि इस तरह की जो है चीज़ों को चेकिंग करना चाहिए कि क्या प्रिंट आ रहा है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान से प्रिंट होके आ रहा है, क्या किसी दुश्मन ममालिक से प्रिंट होके आ रहा है, इसके बारे में तहकीक होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने का ये काम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिशें हैं और इसको जो है उजागर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे भाई ये जो चावल का थैला है इलाही का, उस पर देखिए आप मस्जिद का प्रिंट है और उर्दू में अल्लाह लिखे हुआ है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है, ये बेदबी भी हो रही है। ये चावल के गोदामों में पंचनों में जो पैरा रख के गोदामों में चढ़ते करते इस पे अल्लाह लिखे हुआ है, क्या है जरा देखिए भाई, ये प्रिंट हटाने लगाइए। और उसके बैक साइड में भी देखिए क्या है, ये प्रिंट है देखिए मदीने का। ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिए ये प्रिंट और अल्लाह जो लिखे हुआ है उसको हटाइए, आवाज भी उठाइए भाई, इस पे क्या है क्या नहीं, जल्द से जल्द फॉरवर्ड करिए भाई। देखिए अल्लाह भी लिखे हुआ है देखिए इस पे। ओके अल्लाह हाफिज। देखो नायडा साहब सुनो, आप इंस्पेक्टर साहब इनको 3 दिन से इनको वार्न कर रहे हैं, उसके बाद भी आज उन्होंने